वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे यूज़ करके हम अपनी खुद की लैपटॉप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है और वो सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड होती कैसे है। अगर आप ऑनलाइन मार्केट में जाओ तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसके लिए मैंने एक सिंगल पेनी भी पे नहीं की है। और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ है वो सब मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके डाले हुए। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही ईजी है और ऑपरेट करना भी बहुत इजी है, उसकी क्लियरिटी भी अच्छी है। तो ये जानने के लिए चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और अभी आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो मैं वही सॉफ्टवेयर यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने क्रोम में। जब भी आप अपना क्रोम यूज़ करोगे और गूगल में जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है डी यू रिकॉर्डर फॉर पीसी, डी यू रिकॉर्डर डाउनलोड फॉर पीसी। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका सेटअप आपको ऑनलाइन कौन सा भी लिंक आप यूज़ कर सकते हो। और डी यू रिकॉर्डर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पीसी में डाउनलोड कर लीजिए। एक बार अपने पीसी में डाउनलोड हो गया और इंस्टॉलेशन हो गया तो आपके डेस्कटॉप पे ये डी यू रिकॉर्डर का शॉर्टकट आ जाएगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे ये डी यू रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैं अभी ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1 मिनट और 20 सेकंड का टाइम हो गया है। लेकिन जब भी आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जब भी आप इसे क्लिक करोगे तो आपकी लैपटॉप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। और ये देखिए राइट में यहाँ पे भी एक लोगो आता है डी यू रिकॉर्डर का, जहाँ पे लिखा होता है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इसे जब भी आप ओपन करना चाहते हो अपना लैपटॉप स्क्रीन का रिकॉर्डिंग, हमेशा ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाई देगा कि कितने टाइम हो गया है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। और यहाँ से आप उसे पॉज भी कर सकते हो और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डी यू रिकॉर्डर ओपन करोगे तो अपने सेटिंग में जाइए। होता क्या है कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो आता कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वीडियो लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेंज करके, मैंने जैसे इसका लोकेशन दिया है डेस्कटॉप, जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग मेरा पूरा हो जाएगा और मैं इसे पॉज कर दूंगा, मतलब स्टॉप कर दूंगा, तो जितना भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसका जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग के बाद मुझे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने तो डेस्कटॉप रखा है, आप अगर चाहते हो तो किसी फोल्डर का नाम भी यहाँ पे दे सकते हो जिसमें आपके सारे वीडियोस स्टोर हो जाएंगे। नीचे है फ्रेम्स पर सेकंड, आप जितने फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए उतने क्लिक कर सकते हो। मैंने 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा है जो आपको दिख रहा है अभी। ऑडियो इनपुट, आप ऑडियो इनपुट यहाँ पे चूज कर सकते हो। आपको सिर्फ माइक्रोफोन चाहिए, सिस्टम ऑडियो चाहिए, नो ऑडियो चाहिए, यहाँ से आप चूज कर लोगे। एक बार आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए और अपने हिसाब से इसका सेटिंग कर लीजिए। बाकी ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे मैं बहुत सारे दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पेड सॉफ्टवेयर के लिए मत जाइए जबकि इतनी अच्छी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप एक बार
यह सॉफ्टवेयर यूज कीजिए और अपना नॉलेज YouTube के ऊपर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।